سيدا نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى محمد محمد وعلى محمد صلوات Yeah.
हमारी बात कुछ भी डाल रहे थे सोहेल भाई, उसमें यदि ये लफ्ज़ मशकूर जो है ना, ये हमारे पास बहुत गलत इस्तेमाल है। मैं इसका मशकूर हूँ। अब ठहर जाए, मैं वज़न बताता हूँ, अरबी ग्रामर तो नहीं बता सकूंगा, लेकिन आप बोलते हैं मैं इबादत करने वाले को क्या कहते हैं, आबिद। मैं ग्रामर नहीं बोल रहा, लेकिन आप अपनी जबान में जो बोल रहे हैं, इबादत करने वाले को आबिद क्या कहते हैं, आबिद, और जिसकी इबादत की जाए उसको क्या कहते हैं, जो कत्ल करता है उसको क्या कहते हैं, और जो कत्ल होता है, अब जो शुक्र करता है वो क्या होगा, शाकिर, और जिसका शुक्र किया जाए। तो ये मेरे मशहूर हो रहे थे, मैंने तो इसका शुक्रिया ही अदा नहीं किया था, इतना बार 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 शुक्रिया अदा नहीं किया था, ये काम बैठे बैठे कि मैं मशहूर हूँ, मैंने शुक्रिया अदा नहीं किया तो मशहूर कैसे बन गए। बहुत गलत लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, मशहूर हूँ, शाकिर हूँ, शुक्र गुजार हूँ, इस अंदाज से लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाए। हमारे पास अच्छे खासे बोल भी बोलते हैं, मशहूर है, और उनको कहो तो फिर वो नाराज, नहीं होता यार, मशहूर कैसे होएगा। हाँ, शाकिर कह दो, शुक्र गुजार हो, ताकि अगला मशहूर हो। चल पड़ा है, चल पड़ा है, बोलते रहो तो फिर भी सुनते नहीं है। बहरहाल ये है, वो मल पाके मैंने इससे सीखा, मैंने ये नहीं सिखाया था। आपको
उससे आगे की बातें हैं हमारे पास मेरे साधा भी क्या ऐसे ही है हमारे पास अपनी सेहरिया चलाते हैं फिर कहते हजरत सहरा नमूने अमल है खवातीन के लिए अच्छा फिर और बढ़ के लफ्ज बोलते मेरा तो यानी अंदर चल जाता है जब सुनता हूँ तो बोलते मैं क्या करूँ अभी आप लोग नारा भी लगाते हैं पढ़ते भी है ज्यादा बढ़ के बोलते औरतों के महसूस मसाइल के लिए नमूने अमल इन सहरा को भी औरतों के लिए भी फुल नहीं छोड़ा वो महसूस मसाइल की बात है कि सहरा को एक नमूने अमल पर महसूस मसाइल जो खवातीन के हैं यार ये क्या है ये मुझे मालूम नहीं क्या बातें हो रही है मेरे साथ है या नहीं तो ये अर्ज करूं कि इस पे जरा ले ले इमाम अस्करी अलैहि सलाम खातून बोल रही है मर्द बोल रहा है हुज्जतुन अलैना फातिमा हम पर हुज्जत है नहीं नहीं फिर वो फिर निकालनी मैंने अर्ज किया था बहुत सारे लफ्ज हम सुनते हैं और उनकी माना हमें नहीं आती है यही के अर्ज कर रहा हूं हम समझने का प्रोग्राम ही नहीं बनाते हुज्जत की माना क्या है हुज्जत की क्या माना है जिसकी इताअत वाजिब है तवज्जो ये नहीं यदि इमाम अस्करी अलैहि सलाम फरमा रहे हैं कि फातिमा का दस्तूर हमारे लिए सरे तस्लीम तवज्जो ये नहीं अब ये क्या है मखसूस मसाइल में ये औरतों के मसाइल में यदि हमारे पास ये चलता है ऐसा हम फंसे हुए होते हैं और हमको पता ही नहीं चलता कि हम फंसे हुए होते हैं मेरे साथ है या नहीं सलवात पढ़े रहे बाबा से बोला मन ये औरतों के लिए है या मर्दों के लिए है आ? किसने कहा है मर्दों के लिए मन इक्वल बराबर उसका लफ्ज बनू जिसमें जो अब जो में मर्द आते हैं या औरतें आती हैं जिसने भी फातिमा को पहचान लिया तवज्जो नहीं अब ये मैदान अमल है मेरे साथ है नहीं जब ये जब खेल होता है ना वहां ये बातें नहीं चलती अब अगर कोई रेस हो और मसलन इमामिया ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोग्राम बना ले रेस करते हैं मैराथन रेस आ जाओ मुकाबला करते हैं नाम लिखा लो किसी ने नाम लिखा दिया कि जाफरी किसी ने लिखा दिया जवादी किसी ने लिखा दिया नाम के तो किसी को कहा कोई भी हो नाम लिखा था या किसी खातून ने भी नाम लिखा दिया नाम लिखा दिया अब ये जब ये भाग रहे हैं तो उनकी कौमियत क्या है कोई कौमियत है उनकी नहीं बस रेस के प्लेयर हैं सब
तो ये सब रेस में भागने वाले हैं। अब चाहे सिद्धि हो, चाहे मुहाजिर हो, चाहे सैयद हो, चाहे खातून हो, चाहे मर्द हो, तो ये नहीं, जो भी पहले पहुंच गया वो जीत गया। आपके खिदमत में के एक नारा बहुत अच्छा लगाते हैं, छोड़ दो नारे को, छोड़ दो, मैं आपको ऐसे ही बात बता देता हूं। ये एक दुनिया भी एक भागने की जगह है, दौड़ है। कहां दौड़? अल्लाह तक पहुंचने की। तो बच्चों ये नहीं, अब ये दौड़ो। अब जब दौड़ो तो अल्लाह के उनकी राह में राही बन जाओ। नहीं समझे मेरी बात? फिर अल्लाह की राह में तो कौन सी कौमियत होगी? जब मैदान में होते हैं बस राही एक नाम है और कोई नाम नहीं है। समझ रहे नहीं? जो पहुंच गया वो जीत गया, जो ना पहुंचा वो हार गया। अगर सारा पहुंच जाए जीत जाए खातून है, यजीद न पहुंचे मर्द है, लामती है। मैदान है, खातून है, तो बच्चों या नहीं पहुंच गए तो कहते यजीद मर्द हो गए, नर हो गए मर्द, क्योंकि मर्द कहते ही शर्म आए। नर कह दो उसको, क्योंकि नर कदा नहीं होता, लेकिन मर्द तो नहीं होता। वो नर हो के नहीं पहुंचा, लेकिन ये खातून हो के पहुंच गई, वो जीत गई। ये यह मैदान ये नहीं है, ये नहीं चलेगा। तो इमाम शादी बात है, मैन आरफा फातिमा, जिसने भी फातिमा को पहचान लिया, आगे बढ़ गए, जो है मौजूद वो उनको माना नहीं मालूम है। फकत अदरक लैलतुल कद्र, तो उसने क्या पहचान लिया? लैलतुल कद्र को दर्क कर लिया, समझ लिया। तो बचो या नहीं? अब मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा, फिर लैलतुल कद्र की दो दराते बहस कर चुका हूं मैं आपके खिदमत में, अब मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा। बस खुदा ने यह फरमाया के इन्ना अंसलनाहु फी लैलतिल कद्र, मैंने कुरान को नाज़िल किया जिसमें लैलतुल कद्र क्या है, लैलतुल कद्र क्या है, बेहतर तनज़्ज़ुल मलाइका, उसमें मलाइका नाज़िल होते हैं, वह रूह वो भी मलाइका ही है। मैंने क्या सवाल किया था, कहां नाजिल होते? मैंने अगर आपको कहा मैंने आपको पानी दिया, आपने मुझे पानी दिया, तो कहा किस चीज में दिया होगा? हाँ, गिलास में दिया होगा, बाल्टी में दिया होगा, ऐसे मग्घे में दिया होगा यार। तो नहीं पानी दिया तो ऐसे फेंक तो नहीं दिया ना, हर चीज के लिए सर्फ चाहिए। मैंने तुमको खाना दिया तो उसके लिए भी सर्फ चाहिए, मैंने तुमको पानी दिया उसके लिए भी सर्फ चाहिए। तो नहीं ये मलाइका रूह नाजिल होते हैं तो नाजिल होने की जगह भी होनी चाहिए। तवज्जो या नहीं? बस शबे कद्र वो रात है जिसमें मलाइका और रूह नाजिल होते हैं। तवज्जो नहीं? उनके पास खजाना क्या होता है? मिन कुल्ली अम्र, जितने भी उमूर हैं, उमूर कहां के नहीं बयान किया, बस लगता है उमूर दुनिया, उमूर आखिरा, उमूर समावी, उमूर अरजी, तवज्जो ये नहीं, उमूर इंसानी, उमूर हैवानी, उमूर गियाही, उमूर बर्बादी, तवज्जो ये नहीं। हर चीज का जो भी अम्र है वो सब लाके आते हैं। मैंने उसकी अगर तशरीह आपको दी थी, अगर आपको याद है तो मैं कह दूं, तवज्जो ये नहीं, जो
जिस तरह क्लोजिंग होती है बैंक में, तो उसमें क्या होता है? क्लोजिंग का क्या मतलब होता है? जब आपने दिया में अगर बोला जा रहा हूं तो फिर भी बोलते नहीं हो यार, क्लोजिंग में क्या होता है? पिछला बैंक में काम करते हो क्या? नहीं आप पिछला एक्स्ट्रा आई शाबाश, और फिर आइंदा क्या होगा वो प्रोग्राम, तो नहीं ये नाजिल होते हैं अल्लाह की तरफ, तो ये शबे कायदुल क्लोजिंग की शब है, समझ रहे नहीं? ये कुरान के नाजिल होने की वजह से शबे कायदुल नहीं है, कह चुका हूं आपको याद होगा, समझ रहे नहीं? कुरान शबे कायदुल में नाजिल हुआ, शबे कायदुल में हमेशा ये होता रहा है कि तनजल मलाइका व रूह मिन कुल अम्र, तमाम उमूर क्लोजिंग हो गया, पिछला हिसाब किताब जाता किसके पास है? जवाब नहीं दे रहा मुझे, वो जाता किसके पास है? तवज्जो या नहीं? जिस तरह कुरान नाजिल हुआ, वहां मैंने सवाल उठाया था कि कुरान नाजिल कहां हुआ, जगह तो बताएंगे ना, जगह नहीं बताएंगे तो क्या होगा? कुरान नाजिल हुआ भाई, हमको तो मालूम ही नहीं, शबे कादर आएंगे कुरान नाजिल हुआ, पता नहीं कहां हुआ, कोई जगह तो होगी ना भाई, पानी दिया तो सर्फ है, कोई खाना दिया तो सर्फ है, हर चीज का सर्फ है, इसी तरह नुज़ूल कुरान के लिए भी सर्फ है, समझ रही है नहीं? इसी तरह से ये मलाइका जो नाजिल होते हैं उनके लिए भी जगह कोई हो, ऐसी शख्सियत माननी पड़ेगी आपको, तवज्जो या नहीं? ये ऐसी शख्सियत माननी पड़ेगी जो पैगाम इलाही, तकदीर इलाही को जो मलाइका ले आते हैं वो ले भी सके और बना भी सके, ना है नबी, तो ऐसा ऐसी हस्ती जो अल्लाह का पैगाम ले भी सके, पहुंचा भी सके, तकदीरें बनने की बातें सुन भी सके और सवार भी सके, तो बैठो या नहीं? ऐसी हस्ती की जरूरत है या नहीं? मैं सवाल करूंगा कि जब अब भी मलाइका नाजिल होते हैं, अब भी रूह नाजिल हो, तो बैठो या नहीं? शबे कादर में कौन सी हस्ती है जिसके पास नाजिल होते? मैं वह सराहतन कल नहीं कह चुका था, आज कहता हूं, वो वजूद मुकद्दस इमाम ज़मान अलैहि सलाम, समझे तो लैलतुल कद्र भी नहीं समझोगे तो क्या समझ में आएगा? हाँ, मैं तो क्या
क्या समझ में आएगा, क्या हस्ती क्या है क्या नहीं है। तो इतना नहीं, हमारे पास ऐसे जहन है, हम इसी में फंसे हुए होते हैं। मेरे साथ है या नहीं आप? अब हुसैनी है, हुसैनी है, हुसैनी है, यही कैसे नारा लगाते हैं, हुसैनी है नारा लगाते हैं, नारा भी लगाते हैं या थोड़ा नारा ही लगाते हैं। भी लगाते हैं तो बहुत अच्छा है, ही लगाते हैं तो बहुत बुरा है। मैं हुसैनी है, हुसैन। अच्छा फिर जब हुसैनी है तो यजीदिया के तो दुश्मन है ना फिर आप क्या? हाँ यजीदिया के दुश्मन है। हाँ यार बोलो हाँ या नहीं, नाराज क्यों हो रहा है इसमें? यजीदिया के दुश्मन है या नहीं? यजीदी का लालन भी करते हो या नहीं? जबानी लानत करते हो? हाँ जबानी लानत करते हो? हाँ अब अगर कोई मैं लफ्ज गलत बोल जाता हूं, मेंबर पे बैठा हूं, नाराज ना होना, अगर कोई गाली देता है तो गाली दे देते हो? ये तो गाली दे रहा हूं, गाली है। लेकिन कभी अर्ज कर रहा हूं कि दोस्ती इतनी बढ़ती है तो खुद बोलते हैं कि हमारा बहुत बड़ा दोस्त है। भाई कितना दोस्त है? कि हमने गालत बलोच है। ये भी चलते हैं, बोलते हैं, खुद ही बोलते हैं, तो इतना बड़ा क्लोज है कि हमने गालत बलोच। अब ये लानते अगर जबानी है तो ये गालत बलोच पे चलती है दोस्तों में, तो मैं छो ये नहीं। अगर यजीद से अदावत है तो यजीद फर्द से नहीं है, यजीदी किरदार से है। और जब यजीदी किरदार से अदावत है तो किरदार पे किरदार ही लागत करे, जवाब नहीं। तो किरदार पे किरदार ही लागत करे, तो बैठो ये नहीं। अब आप अगर आशिक है हुसैन हो तो हुसैन को छोड़ दो, हुसैन को छोड़ दो, यजीदी किरदार को देख लो, उसको छोड़ दे जाओ, तवज्जो या नहीं। और जितना यजीदी किरदार का पता चल जाएगा उतना छोड़ दे जाओगे, उतनी तुम्हारी लागत बढ़ती जाएगी, तवज्जो नहीं। और जितना तुम ये किरदार के साथ लागत करते जाओगे तो हुसैनी किरदार तुम्हारे पास आता जाएगा, जबानी लागत करने की जरूरत ही नहीं। मुझे मालूम नहीं है, मैं आपके सामने हदीस पढ़ता हूं, ये बहुत बड़ी चीज है, छोटी चीज नहीं है। ये नहीं कहो कि मेरा दिमाग इतना नहीं है, वो दिमाग मेरा ओल्ड है, बुढ़ा है, वो नहीं समझता। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, मुझे याद है मैं हज पे गया था तो दफ्तर इमाम खुमैनी का था, इमाम खुमैनी जिंदा थे तो उनका जो ऑफिस था, जो हज का ऑफिस था, उसमें बहुत बड़ी आयत लिखी हुई थी, कातिलु अइमतल कुफ्र। आयत की माना क्या है केवल आप ही बताते, कातिलु अइमतल कुफ्र। ये कुरान की आयत है, ओ ये तो नहीं है, कातिलु जंग करो, किताल करो, किसके साथ? कुफर के रहबरों के साथ। ये कुरान है, कुफर के सरदारों के साथ कातिल। गवर्नमेंट से मुतालबा आया किस आयत को उतार दो,
utanma ini ayat utanma. Ia itu na answer oke. Usahlah di is ayat utanma pun orang ayat itu. Bila sampai ya ni, kita Imam Syadiq Alaihissalam. Dia bermata, Inna Bani Umayyah أطلبوا الناس لتعليم الإيمان ولم يطلبوهم لتعليم الكفر توجه يا نبي بني أمية نے یہ کھیل کھیلا امام صادق فرماتے ہیں أطلبوا الناس لوگوں کو کھلا چھوڑ دیا یہ بتاؤ نماز بہت اچھی چیز بولو روزہ بولو رکھو मेरे साथ है या नहीं नमाज बहुत अच्छी चीज है रोजा अच्छी चीज है अच्छा अच्छी है ना अच्छी है तो आपको भी अच्छा लगेगा ना तो ये तबलीग कर रहा है तबलीग करना है नमाज की रोजे की वुज़ू की तवज्जो या नहीं लेकिन निगेटिव पॉइंट को बयान नहीं करूं तवज्जो नहीं फलम युतलकूहुम लतअलीम अलकुफर कुफर का किरदार क्या है उसको बयान नहीं करो क्यों इसलिए कि ताकि कुफर में अगर इनको फंसाना चाहे इनको पता ही नहीं चले अब जो है इनको मालूम रहे हो बेईमान हो भी रहे पता ही नहीं चले समझ रहे नहीं इस वजह से आपको बेदार होके यजीदी किरदार पे किरदार से लानत करके हुसैनी बन के यजीदियत को खत्म करके इंसान होता यह है कि हमारे पास इल्म की बड़ी तारीफ करते हैं किसकी तारीफ करते हैं इल्म की कहता इल्म बहुत अच्छी चीज है मैं इल्म का मुखालिफ नहीं हूं इल्म बहुत अच्छी चीज है इल्म ज़हन में आता है दिमाग भरता है दिमाग भरने के बाद बोलना आता है तवज्जो या नहीं बोलना आता है ये सीख जाता है आदमी बहुत बोलने नहीं देता अगले को इतना लाजवाब कर देता है ऐसा ही हो जाता है ऐसे अरे ये इल्म जब आ जाता है तो ऐसा बहुत बड़ा बोलता है लेकिन अमल के लिहाज से कुछ नहीं होता क्यों इसलिए कि अमल की क्लास स्कूल में नहीं होती अमल की क्लास स्कूल में होती नहीं है कॉलेज में होती नहीं है यूनिवर्सिटी में होती नहीं है तवज्जो या नहीं पीएचडी की डिग्री लगी हुई है लेकिन नंबर एक का बदमाश तवज्जो नहीं क्यों इसलिए कि पढ़ा है तवज्जो नहीं अमल के मैदान में जीरो है क्योंकि इधर वो आया ही नहीं तवज्जो नहीं ये इसकी क्लास कहाँ चलती है अमल की क्या ये अमल की क्लास कहाँ चलती है ये अमल की क्लास चलती है मजलिस में समझ रहे या नहीं ये अमल की क्लास कहाँ चलती है अब कितना आपका मूड खराब हो सकता है कि आपके वो मैं हो सकता है कि आप जो कह रहा हूँ मैं भी शामिल हूँ हो सकता है बदबल इंसान हूँ एक मरतबा मैं मजलिस में आया मैंने ये सुना कि इमाम हुसैन तो नमाज पढ़ते शहीद हो मैं तो नमाज ही नहीं पढ़ता एक बात हुआ ये इसी मजलिस ने मुझे गौर किया और मैंने कल से नमाज शुरू कर दी तवज्जो या नहीं ये मेरे जज्बात कहाँ बढ़ते हैं ये जज्बात अमल की तरफ अर्ज कर लो इस मजलिस में और दुआ की महफिलों में अच्छे भले लोगों के महफिलों में तवज्जो या नहीं वहां में अमल की तरफ जज्बात उभरते हैं तो हो सकता है मैं समझदार हूं
लेकिन अमली मैदान में मैं जीरो हूं। लेकिन जब मैं इन मैदानों में आऊंगा तो अमली मैदान में आगे समर्पण रखा हुआ से बोले कैसी है उस निगाह के जरिए इंसान फिर वो उसका जो है ना अंदर जो होता है साफ होता है। मेरे साथ रहिएगा, मैं आज बहुत तंग कर रहा हूं मैं आपको। कुंभ के नजदीक एक देहात में एक चरवाहा था। वो चरवाहा अनपढ़ था, चरवाहा था, बकरिया चरा था, लेकिन नमाज का पाबंद और जो भी वाजिबात उस पर जो सुनता था कि ये चीजें वाजिब है सबका पाबंद, उसमें कोई शक नहीं। अतः एक दिन वो रास्ता लेके जा रहा था, वो उस बयान करते तो एक सैयद मिला उसको। उसने कहा कि उसका नाम पता नहीं क्या था, याद है आपको? मुझे याद नहीं है। तो मसलन अकबर नाम था, तो कहा अकबर बाबा क्या कहेगा, आप हर साल मुझे कुछ ना कुछ दिया करते थे, इस साल नहीं दिया। उसने कहा यार मैंने गंदम काट के रखी है, अब हवा नहीं है जो गंदम को के दानों को अलग कर सको। ईसा बल को उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं, अब ईसा बल को क्या कहते हैं उर्दू में? साफ करना, ये सफाई वाला जो है ये थ्रेश, इनके खिलाफ सब उर्दू लोग पूछ रहा था, ये थ्रेश मुझे भी आता है। अच्छा, बहरहाल वो हवा में जब ज्यादा होती है तब कहते हवा नहीं है, इस वजह से मैं रहा हूँ, हवा आएगी तो मैं अलग करूंगा, तो फिर आपका हिस्सा मैं आप तक पहुंचाऊंगा। घर गया था कि सैयद ने मुझसे कभी सवाल किया ही नहीं, लेकिन आज ये सवाल कर किया, इसने लगता है जरूरतमंद है। तो रात को इसको नींद नहीं आई, उठा भागा गया वहां, कंदुम को फूकना शुरू किया और दाने अलग करने शुरू किए। तवज्जो नहीं, ये चंद केलो बनाया, उठाए और वो सैयद के पास पहुंचा, कहा कि शाह साहब अभी मैंने भूख भूख के ये चार पांच केलो मैंने अलग किए दाने, तवज्जो नहीं, ये आपकी खिदमत में जब वो दूसरा बनेगा तो दूसरा हिस्सा भी आपको पेश कर, वो इतना मेरे साथ नहीं है। अच्छा ये चरवाहा था, चरवाहा एक दिन बकरिया ले आया और बकरिया वक्त से पहले ले आया। उसने आके वहां के बंद की बकरिया और उसने कहा कि ये वक्त है, इस वक्त से भी काम लू, नमाज में की थोड़ी देर है, तो जब तक यहाँ एक इमामजादे की मजार है मैं उसकी ज्यारत कर गया हूँ, इस वक्त से भी काम लू, लेकिन हमारे पास वक्त से काम लेना हमको नहीं आता है। उसने कहा इस वक्त से मैं काम लू, तो जब ये उस इमाम सादे की तरफ जा रहा था तो चरवाहा को एक दो आदमी ने नाम लेके इसको बुलाया। उसने देखा और भाई कहाँ जा रहे हो, कहा इमाम सादे की ज्यारत पे जा रहा हूं, चलो हम भी चल रहे उधर। पहुंच गए सहन में, इमामजादे के शहर में पहुंच गए तो वो दो आदमी खड़े हैं, वो जो दीवार पे आयतें हदीसें लिखी हुई थी आयतें वो पढ़ने लगे। तवज्जो नहीं, जो होता है ना अरब ना अरब में तो आयतें लिखी होती है दीवार पे, तो उनको पढ़ने लगे। तो चरवाहे को कहा कि पढ़ो ना यार, कहा कि मैं तो यार अनपढ़ हूं, मैं नहीं पढ़ सकता। अब उन्होंने क्या किया, ये बेखुद हो गया और एक मर्तबा जो बेदार हुआ तो देखा तो वो आदमी भी नहीं है और एक मर्तबा इसका कल्ब नूरानी है। तवज्जो नहीं,
अब जो ये आयत है देखता है सब आयतें पढ़ रहा ये गया ज्यारत करके वापस आया और डायरेक्ट गया मस्जिद में। मस्जिद में लोग जमात के लिए तो जमा थे, जो थे होते हैं नमाजी तो आते हैं, जो जमा नहीं होते तो वो घर पे पता नहीं सोते रहते पता नहीं क्या कर रहे थे। वो नमाजी थे वो बेचारे मस्जिद में थे और मौलवी साहब भी मस्जिद में बैठे हुए थे। एक मरतबा मौलवी साहब के पास आए और कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक नई बात बताता हूँ आपको। कौन सी बात? कि मुझे पूरा कुरान हिफ्ज है। बाबा नहीं कर रहा बिठा तो जाए, उस बेचारे को पागल समझ रहे थे। कहा ये चरवाहा उमन चरवाहे आदमी को पागल ही समझते, क्योंकि हम लोगों का दिमाग ऐसा है ना, वो कोई ऐसा नहीं है उसको वो करके पागल क्या है। कहते मजाक नहीं है, मुझे पूरा कुरान हिफ्ज है, चाहे जहां से पूछना चाहो पूछ लो। तो मौलवी साहब ने कुरान खोला, मौलवी साहब को तो याद नहीं था, कुरान खोला, ये आयत वो आयत वो सब पढ़ता गया सब पढ़ता गया, सबको यकीन हो गया। उस जमाने में हजरत आयतुल्लाह बरूचोदी थे, उसकी बारगाह में ले गए, वो उसने पूरा कुरान सुनाया। समझो हमारे उस्ताद बुजुर्गवार हजरत आयतुल्लाह हरम बनाई रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते मैंने उसको घर पे बुलाया था और उसको कुरान उससे सुना था, पूरा कुरान उसको याद। हमारे दोस्त है बीबी, अब वो जिंदा है, वो इंसान है, उसने बताया कि मैं उससे मिला था, मैं इस काजी करबलाई से मिला था, वो अब उसका बयान किया हुआ है। तो मदरसे हुज्जतिया में जगह बताई थी, यहां आकर बैठता था, जमीन पे आकर बैठता था। अगर कोई पुलिस वाला या कोई गवर्नमेंट का मुलाजिम इसको दावत देता था, रोटी खाने नहीं जाता था। वो अगर कोई मजबूर करता था कि हम शाहिद हैं कि वो कोई पुलिस का कोई अफसर कोई मजबूरन जबरन इसको ले जाए, तो फिर यहीं आके इसी जमीन पर बैठ के चीखता था, आख आख मुर्दा, मर रहा हूं मर रहा हूं, पता नहीं क्या हो गया, मेरे कल्ब पे पर्दे आ गए, वो नूरानियत जो है वो बंद हो रही है। ताकि वो चीखता था, फिर यही उंगलियां मार के तय करके जब उस खाने को निकालता था तो कहता आह राहत से नहीं। तो फिर खुद तलबा को कहता कि मैं जब इन लोगों का खाना खाता हूं तो मेरा दिल तारीफ हो जाता है, लेकिन जब तुम लोगों का खाना ही होता है तो उनका खाता हूं, ये नूर मेरा और बढ़ता है, पता नहीं क्या है। ये नहीं है आपको, आपको हमको पता ही नहीं है आराम खाने में। सलावत पढ़ रहे बाबा से बोला ये मुलाकात आ करती है रास्ते पढ़ते, तो एक किरदार के बुलंदी के लिए लाजमी है कि वो निगेटिव पॉइंट जो है उनको छोड़े और फिर पॉजिटिव पे ऑटोमेटिकली खुद भी खुद आ जाएंगे। ये मनफी किरदार जो है ये सीरियल को छोड़ देंगे, बचाने की ये किरदार ये सीधी है। तो ये काम करने से यजीद खुश होगा, वो उसको खुश न करे, छोड़ दे उसको, तो इस पर यजीद खुश होगा, मैं तो नहीं करके इस पे लागत करता हूँ, तो या नहीं उसको छोड़ के वो अमली तरीके से खुद बखुद हुसैनी के दार की तरफ आ जाओगे। सलवात पढ़ लो बाबा हुआ से बोला आपको अर्ज की। इसी तरह से अगर आप सूरह हम्द को अगर पढ़े
तो इस नेगेटिव पॉइंट की तरफ इशारा वहां भी मिलेगा आपको। रसूल हमद अगर याद हो तो बता दे मुझे, अब यह मैं पढ़ लेता हूँ। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह सही पढ़ रहा हूँ कि मैं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये क्या है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम है जाए खुदाया हमें सिरात मुस्तकीम की हिदायत कर। नहीं मेरे साथ क्या सिरात मुस्तकीम हिदायत कर, सिरात मतलब रास्ता, मुस्तकीम सीधा रास्ता। अब सीधा रास्ता तो हम तो मादी लोग हैं, हम कहते हैं सीधा रास्ता तो मतलब कराची से हैदराबाद का सीधा रास्ता, ये बता देंगे यहाँ से जाओ ये सीधा जाके कराची पहुंचोगे। हैदराबाद से सेवन पहुंचने का करो भाई, यहाँ से तुमको पहुंचा दे ये सीधा जाके सेवन पहुंचोगे, ऐसे नहीं तो नहीं। इतने सिरात अल मुस्तकीम खुदा हमको वो सीधा रास्ता दिखा तो डायरेक्ट तेरे पास पहुंच जाए, तो या नहीं ऐसा रास्ता हमको दिखा। अब ये कौन सा रास्ता होगा? हर चीज का रास्ता अपना होता है भाई, हर एक का रास्ता, हर एक का तरीका अपना होता है, तवज्जो या नहीं। वो उस तरह से जब हिसाब करते हैं ना तो हो सकता है शागिर्द जवाब सही दे, तो तुम्हें कैसे तुमने जवाब सही लिखा, वो तरीका अगर नहीं आता उस जवाब को भी गलत मान लेते, अगर ये झूठ है नकल किया हुआ है तो कैसे ये बना जवाब, वो जवाब कैसे नहीं आएगा तो तब तक वो जवाब उस उस्ताद सही नहीं मानेगा, क्या लगता है कि इसने चीटिंग की है। समझो नहीं, तो वो रास्ता बताओ वो किस वे से तुमने जाके ये जवाब दिया है, समझो नहीं। तो उसका हिसाब का रास्ता अपना होता है, हर मसले के हल का रास्ता अपना होता है, तो खुदा तक पहुंचने का रास्ता भी मेरे साथ नहीं है। रास्ते पे अनअम्त अलैहिम ऐसे लोग हैं जिन पे तेरी नेमत ही नेमत है। सलावत नहीं पढ़ते आप लोग जब सिरात अल्लज़ीना अनअम्त अलैहिम, ये हुआ उस पर जिस पे तूने मुझसे नेमत रहना है, वो नेगेटिव है। गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम किताब
तमस्सकतुम बिहिमा, एक शर्त पूरी कर लेगा अगर तुमने तमस्सक लन तज़िल्लू, तो हर किस गुमराह नहीं होगे। तवज्जो ये नहीं, यदि गुमराह वो लोग हैं जो मुतमस्सिक कुरान व अहले बैत के नहीं हैं और जो कुरान व अहले बैत के साथ तमस्सुक रखते हैं। सलावत वगैरह पाओ हसन को इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन अरफ फातिमा फकद अदरक लैलतुल क़द्र। तो हम यहाँ फंस गए अर्ज कर रहा हूँ नरम वादा में, और फिर उन किसी की माना करके जहरा से जान छुड़ाना चाह रहे थे, लेकिन जहरा हुज्जत है हमारे लिए मेरे साथी, जहरा हुज्जत अलैना। जिस तरह 1,24,000 नबी सब मर्द औरत के लिए हुज्जत है, जिस तरह इमाम मर्द औरत सबके लिए हुज्जत है, इसी तरह जहरा मर्द औरत सबके लिए हुज्जत है। सलवात पढ़ रहा हूँ आवाज में, नाराज ना हूं तो थोड़ा मैं आगे बोलूं या थकते हैं। बहुत सी चीजें हैं हमको गुमराह करती है। गुमराह कैसे करती है? कुरान की एक आयत है, अल्हाकुमुत तकाथुर, इसको मैं अपनी जबान में बोलू, अभी आयत को छोड़े। एक होता है लाही, अरबी का कुरानी जबान है, मेरी जबान में लाही। लाही किसको कहते हैं? लाही जो रोक दे आपको, क्या जो आपको रोक दे। मैं नीचे उतर रहा था सीढ़ी पे, आपने मुझे धक्का दे दिया, रोक दिया। इस रोकने को लाही नहीं कहते, नहीं रोकना, फिजिकली रोकना नहीं है। ये इसको धक्का देके इस रास्ते से रोक लिया, या मसलन जा रहा था रास्ते लेके ऐसे रास्ता बंद कर दिया कि रास्ता मेरे लिए रुकावट बन गया, ये नहीं, नहीं ये नहीं। बल्कि लाही है फिक्री और हकीकत से रोक देना। तवज्जो नहीं, अल्हाकुमुत्तकासुर, ये माल ने तुमको क्या कर दिया? लाही है माल तुम्हारे लिए। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, मेरे साथ नहीं है। अब आप ऐसे बात करते हैं, खुदा का दीन है, बहुत बड़ा माल है, खुदा का दीन है, बहुत बड़ा बंगला है, खुदा का दीन है, बहुत बड़ी गाड़ी है। गाड़ी बड़ी है तुम्हारी? गाड़ी बड़ी है, लेकिन तुम बड़े या नहीं? ये तुम वो गाड़ी एक चीज हो क्या? तुम गाड़ी एक चीज हो नहीं, गाड़ी तो और चीज है। गाड़ी तो तेरी बड़ी है, तू बड़ा है या नहीं, ये और चीज है। तुम्हारा बैंक बैलेंस बड़ा है, तुम बड़े हो या नहीं? क्या तुम बैंक बैलेंस एक हो? तवज्जो या नहीं? अब ये कपड़े हैं ना, कपड़े हैं, तो कपड़े जरा कीमती पहन के, ये कीमती कपड़े करंट देते हैं, करंट देते हैं, जल्दी खराब करते हैं। तवज्जो नहीं, दिमाग खराब किसका हुआ? जवाब नहीं दे रहे हम, किसका हुआ? मेरा, पहनने वाले का, यानी मेरा। मैंने कपड़े पहने, दिमाग खराब किसने किया? मेरा कपड़े ने। और जो चीज कपड़ा मैंने, कपड़ा मैं हूं, मेरे कपड़े अच्छे रहे, अच्छा हुई या नहीं ये तो बताओ। कपड़े तो बहुत कीमती है, तेरी कीमत क्या है? तो अच्छा या नहीं? अरे लतीफा सुना दू, जरा हंस भी ले, लतीफा सुना दू। पुराने जमाने में यह तो हमारे पास हमामों का इतना तस्वर नहीं है, इधर ईरान इराक की तरफ हमामों का तो बहुत बड़ा आम हमाम होता है, जो जातू के पुराने जमाने पे गए होंगे
वो आम हमाम में जाते हैं तो वहां गर्म पानी मिलता है, लोग जाते हैं आम नहाते हैं। इतफाक से हारून रशीद हमाम में गया हुआ था तो उसने कदगल लगा दी थी कि कोई नहीं आए, तो कोई नहीं आया। इतफाक से अजब होने वाले बारू तो ऐसी हस्ती थी कि उसको कोई रोक नहीं सकता था। बारू भी चले गए हमाम में तो हारून ने देखा कि बारू भी आ गया है, तो इधर दिमाग खराब होता है ना, मैं करता है, मैं करता है। जब दिमाग खराब होता है तो हारून ने उससे पूछा बहलोल से, तो बोल यार मेरी कीमत क्या है। तो उसने छत से बोला 40 दिरहम। कहे पागल आदमी 40 दिरहम की मेरी लूंगी है, तुम 40 जरे बताओगे उसी की कीमत बताएगी, वरना तुम तो ठगेगे नहीं हो। तो कीमत उसकी बताई थी, वो लुंगी पे नाच कर रहा था कि लुंगी 40 दिरहम की है तो मैं भी 40 दिरहम में हो गया। कहते मैंने कीमत 40 दिरहम उस लुंगी की बताई, वरना तुम तो ठगेगे नहीं हो, तुम्हारी क्या कीमत होगी उसी अंदाज से। तो सब चीजें तो कीमती हो गई, बड़ी हो गई, गाड़ी बड़ी हो गई, मेरे साथ है या नहीं? नहीं, अब आप नाराज तो नहीं हो रहे ना? नाराज हो रहा मैं अभी ऐसी बातों पे आप लोगों को, यार गुस्सा भी है ना, अच्छा नहीं लगता है ऐसे ही। क्या वजह से होती है, जरा पढ़े जरा नारे लगे जरा खुशबू नहीं है, पता नहीं क्या पता। मेहरबानी की नारा लगवा दिया यार, वरना तो कोई हमारी बातों पर कोई नारा भी नहीं लगाता। नारा है खुद हमारे पास एक नई डिक्शनरी नई बना ली है। अब मैं आपसे पूछता हूं, बड़ा आदमी कौन है? आप बोलते क्या शायद दुनिया है जिसका ऐसे बड़ा आदमी है? अच्छा, जब इलेक्शन हो तो फिर किसको वोट देंगे? बड़े आदमी, ऐसी क्या बड़े आदमी को? अगर मेरा जैसा भूखा नंगा आगे इलेक्शन में खड़ा हो गया तो चंदे पे गुजारा करता है इलेक्शन लड़ना। ये ऐसी हालत है ना, तो बड़े आदमी की माना ये हो जाएंगे। अब बोलो तुम्हारी सहनीयत इतनी है, तो बच्चो या नहीं, तुम्हारी इतनी है कि तुम्हारा इंतखाब के लिए अगर वोटिंग के लिए हो तो मेरे ख्याल में अगर अली आगे कैंडिडेट हो जाए तो आप कहेंगे वो सूखी रोटी करने इसको वोट कर देगा। तो माने खराब हो जाएगी, तो अली बड़ा आदमी नहीं हुआ ना आपकी तरह से, माने खराब कर दी। तो बड़े आदमी की माना बदले, जब बड़े आदमी की माना बदलेंगे तो सहनीयत बदलेगी, माना बदलेगी, बड़ा आदमी तरफ मुतवज्जे करें। ये लाही चीजों से रोके,
ये ना कि खुद भी आलूदा हो जाए, तो या नहीं अलहाकुमुत तकासुर, ये माल ने तुमको रोक लिया हकीकत समझने से, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, मिसाल से आपको बात बताऊंगा। हमारे पास तो सिंध में तो बहुत ये लफ्ज चलता है, अभी आप लोग भी यही है, सब लोग भी अपने अल्फाज से आशना हो जाएंगे। हमारे पास सादा घरानों में दरवाजों पे बैठे रहते लोग कुछ, तो उनको कहते हैं कि ये इस शाह साहब की फुकरा है। कौन है फुकरा? इस शाह साहब की, इस पीर साहब या गुरुबंदी शाह साहब या पीर साहब जो भी हो, वो दर पे वही खाते हैं, वही पीते हैं, वही सोते हैं, ये फुकरा है। तो वजह या नहीं, तो जैसा पीर बनता है वैसे मुरीद बनते हैं, तो हो भी है। अगर मुर्शिद नशरी है तो ये भी नशरी है, तो वो जैसा मुर्शिद होगा। ये असहाब सुफा वो लोग थे जो दस्तरखान पैगंबर से नूर हिदायत लेने पे फकीर बने हुए उनके दर पे बैठे हुए थे। नहीं पढ़ते सलाम अल्लाह भी ना मुंह में बैठे थे इन बातों का समझिए। ये ऐसा भी सुफा, ये दरिया जी गरीब थे। आप ये तो देखे जो नूर रिसालत से फैजियाब हो रहे होंगे वो अल्लाह। ये हमारे पास जो फुकरा के पास जाते हैं, मुर्शिद जाते हैं, तो उनका अंदाज अपना होता है, लेकिन ये मुर्शिद रसूलुल्लाह, समझ रहे नहीं, तो इसका अंदाज तो अपना होगा। तो ये मुर्शिद अपने मुरीदों के पास, ये वकील थे ना, सुबह सुबह नमाज से फारिग होके थोड़ा इनसे मुलाकात हो जाते थे। एक दिन गए, एक जवान बच्चा, जवान बच्चा रंग मुतहजर, जिस तरह से का आदमी बेखुद यदि अपने में कोई भी तवानाई नहीं आई सक, यदि खुद को ऐसा हो जाए ऐसा ऐसा चल रहा है, आंखें पैगंबर ने अंदाजा लगाया कि इस बच्चे में कुछ है क्या है, तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, कैफ असबहता, तुमने सुबह कैसे की, कैसे गुजारा हुआ, तुमने सुबह कैसे की, अरबी में लगता कैसा असबहता, तुमने सुबह कैसे की, यानी किस तरह रात बसर की, कैसे सुबह हुई, कैसे गुजारा किया। अब वो बच्चा जवाब देता है रसूल को, असबह तो अला यकीन है, मैंने यकीन पे सुबह की है। नारा बड़ा लगाया क्या, मत दलील अला यकीन है, मुझे दलील तो बताओ तुम यकीन पे हो, तो बचो ये नहीं कहते, इस यकीन ने तो मेरी ये हालत बना दी है, मैं रात को जागता हूं दिन को रोजू में हूं, तो बचो ये नहीं 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 अभी सुनिए अभी सुनिए आगे बढ़ा, और दलील बताओ। कहते या रसूल अल्लाह, मैं अब इस पोजीशन में हूं कि मैं यहां से खड़े होके जन्नत को भी देख रहा हूं, जहन्नम को भी देख रहा हूं। बता दूं आपके साथ कौन जन्नत है जन्नत नहीं, बता दूं आपके साथ कौन जन्नत है जन्नत नहीं, ये राज है, ये नहीं बता जाते, लेकिन मैं जन्नत और जहन्नम देख रहा हूं, उनकी बातें भी सुन रहा हूं, तो मैं चाहिए नहीं। तो इंसान जब अल्लाह से लो लगाता है तो उसकी दीन इतनी बढ़ती है कि वो जहन्नम को भी देख ले, जन्नत को भी देख ले। चलो पढ़ लो बाबा से बुलाना,
को मशगूल कर दे और हकीकत की तरफ न सोचे। अभी किससे कहानियां होती है ना, बयान करते हैं, ये रोमान, ये नावेल, ये बयान करते हैं, ऐसे बयान करते हैं, ऐसे बयान करने का आदमी सुनता जा रहा, सुनते जा रहा, वो कुछ चीज ही नहीं है। बच्चे हैं, कभी खेलते हैं, गिल्ली डंडा खेलने जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, ऐसे मशगूल होते हैं, ऐसे मशगूल होते हैं, ऐसे मशगूल होते हैं कि माँ आती है, सामान कोट तो वही छोड़ गया था। वो मेरे पास जो सामान था वही जूतियां भी वही छोड़ के आया, मुझे जो लेना था वो नहीं लाया। तवज्जो या नहीं, यानी इतना मस्त हो गया जो घर जिसको लाना हो था वो उसको भी नहीं लाया। इसी तरह से ये दुनिया इस तरह से मस्त कर जाती है कि जब तुम कब्र में जाते हो जो तुमको ले जाना होता है वो भी नहीं ले जाते। वो तुम्हें यहां रह जाना, सलवात पढ़ रहा हूं आवाज से, वहां आवाज कैसे लगी थी, वो कहेंगे जिसका 1 करोड़ बैंक बैलेंस हो वो आज ऐसी आवाज आएगी, जिसका बंगला पड़ा हो वो इधर आ जाए ऐसे होएगा। मेरे साथ ही है नहीं, कैसे होएगा, बैंक पड़ा तो वो आएगा, वो आएगा, वो जिसके पास वो इतने ऊंट हूं वो आ जाए, ऐसे आवाज होगी नहीं। यो मन्नत मुकुल्लाउना सिर्फ एमा बेहिम, नहीं नहीं अभी अभी नहीं, अभी सुबह अल्लाह नहीं, अब ठहरिए मैं मिसाल दूं बाद में सुबह अल्लाह करना। सलवा पढ़ो रब आवाज बोला, वो जो नुमाइंदा होता है उसको क्या कहते हैं पता नहीं, वो बाहर आके आवाज देता है फिलहाल और उसके साथी आओ। तो उसका जो गुरु होता है ना वो आगे होता है, उससे पीछे अंदर जाता है, फिर आके आवाज देता है फिलहाल उसके साथी आओ, फिर वो दूसरे जाता है। तो वो नहीं तो उस आवाज पे सब उससे पीछे होते हैं। तो कयामत के दिन तवज्जो ये नहीं, तुम्हारी जबान पे नहीं बुलाया जाएगा, तुम्हारे रंग पे नहीं बुलाया जाएगा, तुम्हारे मुल्क पे नहीं बुलाया जाएगा, तवज्जो ये नहीं, तुम्हारे पैसे की वजह नहीं बुलाया जाएगा। ना तो उमुल्ला होना से हम उस दिन हर एक को इमाम के जरिए बुलाएंगे। आवाज आएगी यजीद और उसके मान यजीद होगा, पीछे उसके मुरीद होंगे। एक मतलब आवाज होगी हुसैन और हुसैन की, ओ आ जाओ तो आ गए हुसैन, सलावत बेटा नहीं उसकी नस्ल आता। लोग इसी अंदाज से चलते थे, लोग की जहनियत ये थी। बातें बहुत सारी मैं बात कल बताऊंगा इंशाल्लाह, आज थोड़ी सी बातें अर्ज करके बात को खत्म करो, मैंने थका दिया है, इधर उधर की बातें कर दिया, आपको नाराज नहीं हुआ। ये रस्म थी कि बेटा नहीं नस्ल खत्म हो गया।
बनूना बनू अबनाएना, हमारे बच्चे तो वो होते हैं जो मेरे बेटे के बेटे हो, वो बनू बना देना बनू अगिया देना, और हमारी बेटियों के बच्चे हमारे बहनों के बच्चे हैं, उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं। तो जो इंडिया बस सुन दिया ऐसी, ये हमारे असल नस्ल ही नहीं है, उनसे मेरा रब्ता ही नहीं है, मेरी नस्ल अगर बाकी है तो बेटे से है। बेटी कोई चीज नहीं, तो जो ये नहीं ये थोड़ा सा है, बस जरा सी हमारे दिमाग में नहीं जहालत ये है, नाराज नहीं होना। अभी भी हमारे पास अगर बेटी मुतवल्लिद होती है मुंह खराब हो जाता है, लेकिन बेटा मुतवल्लिद होता है तो मिठाइयां बांटते हैं, तो दी जरा सी मेहनत थोड़ी सी नहीं। अभी भी कहते हैं नस्ल बाकी हो तो बेटे से, अभी भी हम यही कहते हैं, तो ये पुराने जमाने जाहिलियत की थी, तो मैंने थी। अब मुझे याद है मैं एक प्रोग्राम में था, ये बड़े बड़े सियासी लोग बैठे हुए थे, इमाम खुमैनी का इनकलाब आया हुआ था और इमाम खुमैनी जलाल में बोल रहे थे और चर्चा उनका था, ये सियासी लोग बातें कर रहे थे आपस में और इत्तेफाक से वो सिंधी में बातें कर रहे थे, इसलिए मैं थोड़ी सी सिंधी बोलूंगा, नाराज ना हो आपने कहा बोलते बोलते। यार ईरान में इनकलाब आयो अच्छा थी तो दूसरा बात है खुमैनी आखिर तो मर दो ना, ये नहीं क्या खुमैनी मरेगा इनकलाब खत्म कोई वालिश नहीं मेरे साथ है, ये नहीं खुमैनी आखिर तो मरेगा ना, तो मरेगा तो इनकलाब किसी इंतजार में तो खुमैनी मरे तो बस वही है नहीं, लेकिन उन लोगों को मालूम नहीं ये लाइन कैसी है, खुमैनी का बेटा नहीं खुमैनी का बच्चा खामेनी फिर मैदान में है, वो दुनिया के लिए अभी चैलेंज है, अभी इनकलाब बाकी है, डर है नहीं। उसने कहा कि इस्लाम का फातिहा पढ़ लो क्या करेगा, इसके अब तक हो गया तो नस्ला ही नहीं, अब इसको कोई वारिस ही नहीं है, तो वजह है नहीं ये वारिस ही नहीं है, ये हिसाब किताब इस नस्ल इंसानी ये जादो फलक से बनाए हुए हैं, तो वजह है नहीं, लेकिन फिक्री वारिस और है जादो को ये ताने दे रहे थे अब तक ये नहीं नतीजा भी बस नस्ल खत्म, नस्ल डिक्शनरी और है जिसमें नस्ल खत्म, कुरानी डिक्शनरी और है जिसमें नस्ल खत्म नहीं है, वो नस्ल भी कोई और है। पैगंबर को खुदा वही करने फरमाता इन्ना उनकी सोच है वो उनकी सोच भी रहे, उनकी सोच भी रहे उसमें भी फेल हो गए, उसमें भी तू कामयाब रहेगा, तवज्जो नहीं, हमने तुमको कौशल अता की ना, तो
सर फसल रब का अब अल्लाह के लिए नमाज पढ़ और क्या कर वधा वधा क्या तकलीफ है फसल रब का वधा ठहरे 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 बहुत सारे बच्चों को कुछ आदतें सिखाते हैं लाशुकुरी तरीके से अच्छी अच्छी चीजें सिखा देते हैं मसलन अगर आप गेम देते हैं उनको मसलन इमामों के नाम है उसमें बच्चा और कहां तक पहुंचे वो सातवें इमाम तक कहां तक पहुंचे आठवें तक कहां तक है तुम तो बारहवें तक ही नहीं पहुंचे यार पहले फेल हो गए अच्छी अच्छी चीज है एक लाइन है देना है इस किस्म के अगर उनको दे दे जिसकी वजह से अच्छी चीजें भी उनको आ जाए मेरे साथ ही अभी बहुत अच्छी चीज है ऐसे अब खुदा ने पैगंबर लोगों का फसल बस सुकून करो फसल ले वो ना और तकबीर कह ठहर जाए ठहर जाए ठहर जाए मैं एक बात कह के फिर बसर पढ़ता हूँ बात को खत्म करता हूँ वो ना तकबीर कह नमाज के बाद तकबीर क्या होती है इसलिए कि तकबीर की पोजीशन एक खास है मेरे सामने है नहीं हम बहुत सारे राज जो है हम नहीं समझते नमाज पढ़ते हैं नहीं पढ़ते आप पढ़ते हैं यार नमाज जब पढ़ते हैं तो और बहस में नहीं जाता नमाज पढ़ते हैं तो नमाज के राजों की तरफ अगर मुतवज्जे हो ना तो बहुत अच्छी मुबारक नस्ल है नमाज के शराइत में से है जिस जगह पे नमाज पढ़ रहे हो वो जगह क्या हो गस्बी ना हो पाप हो तो उन्होंने याद आए गस्बी ना हो गस्बी की माना क्या है आपके घर पे मैंने कब्जा कर लिया और नमाज पढ़ना शुरू कर दो हो जाएगी नमाज अल्लाह अकबर कह रहा हूं नहीं होगी अल्हम्दु पढ़ रहा हूं नहीं होगी रुकू कर रहा हूं अच्छा अमल है या नहीं बहुत अच्छा अमल है तवज्जो है या नहीं अल्लाह अकबर बहुत अच्छा अमल है अल्हम्दु बहुत अच्छा अमल है कुलुल्लाह बहुत अच्छा अमल है रुकू बहुत अच्छा अमल है सजदा अच्छा अमल है या नहीं अच्छा अमल है अच्छा लोगों का माल लूट के मुझे सजदा करते हो वो सजदा जो माल लूट के मुझे किया जाए सजदा नहीं वो नमाज जो लोगों को दो माल लूट के पढ़ी जाए वो नमाज नहीं मुझे तुम्हारा सजदा नहीं चाहिए रुकू नहीं चाहिए किरात नहीं चाहिए नमाज नहीं चाहिए सलवात पढ़ रहा हूं आवाज से बोला इस्लाम बाकी रहेगा कैसे बीमा हो गया मैंने कौशल जो आयन कर दी
समझो या नहीं, मुझे तुम्हें कौशल देगी तुमको। इसी तरह से अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत में, कुरान तुमको दिया तो फिर हासिल किया शबे कादर में। समझ लो कि ये सहरा इनायत करना दूसरी शबे कादर है, समझो या नहीं। ये मैंने तुम्हें शबे कादर है दूसरी चीज दे दी है, सहरा को समझो, कुरान को समझो, समझो या नहीं। ये बातें पैगंबर समझाने के लिए बड़ी जद्दोजहद की, ये अल्लाह के इशारे पे थे और दुबई भी था। बच्ची को मनहूस समझा जाता है, लेकिन पैगंबर को खुदा बच्ची इनायत करता है। बच्चियां खेलती रहती हैं, अपनी तवज्जो में नहीं रहती, लेकिन ये बच्ची फातिमा ये आम बच्ची नहीं है। एक मरतबा पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें कर रही थी, तवज्जो ये नहीं। अभी अगर हमारी औरतों में से किसी का बच्चा अगर पेट में बोलना लग जाए तो औरतें हमारी मर न जाए। लगता है कि ये खदीजा का भी रब्ता अल्लाह से है और इस मौलूद इस बच्ची का रब्ता भी अल्लाह के साथ है, तवज्जो ये नहीं। इस तरह से रब्ता नहीं, ये बच्ची किस अंदाज की है। ये मुतवल्लिद हुई, जब मुतवल्लिद हुई तो पैगंबर तो बहुत खुश थे, पैगंबर तो अल्लाह के इशारे पे काम करते हैं, उन्हें खुशी उनकी तो और नहीं है। और बहुत सारी बातें जो मैं बाद में अर्ज करूंगा आपकी खिदमत, तो आप लोगों को बताने के लिए ये बच्ची है। पैगंबर बच्ची को जब आती है खड़े हो जाते, खड़े होके अजलसा हाथ से पकड़ के अपनी जगह पे बिठाए, तवज्जो ही नहीं। पैगंबर बहुत बड़ी मुश्किल में थे उस जमाने में, बहुत बड़ी मुश्किल में थे। लेकिन ये बच्ची थी, कभी पैगंबर को देखो सर पे मट्टी पड़ी हुई है, ये मुशरिकीन लोग मट्टियां डाल देते थे, कभी कोई फुजला डाल देते थे, कभी कुछ। एक बार तो बीबी को पता चला कि वो नमाज पढ़ते हुए किसी ने वो ओझड़ी ऊपर डाल दी है, तो बीबी भागी हुई गई, पैगंबर की सफाई कही, धोया। ये वो पैगंबर ने आग खोल के कहा कि ये तो बेटी नहीं माँ है, उम्मो बबीहा, समझे कि नहीं, ये तो माँ है। तो सहरा बाप के माँ पे है, माँ कैसे नहीं इतना तारुफ कराया, समझो ये नहीं, इतना तारुफ कराया। लेकिन मैं आपको अगर बता दूं, मेरे ख्याल में तीसरे दिन हमला हो गया, पैगंबर दुनिया से गए। जब पैगंबर दुनिया से जा रहे थे, सहरा को देख के रोना शुरू किया, तो सहरा ने जो देखा, मेरे को नहीं, ये दुनिया और है, ये दुनिया कोई और है। पैगंबर ने सहरा की तरफ देखा और रोना शुरू कर दिया। जब पैगंबर ने रोना शुरू कर दिया तो सहरा ने भी रोना शुरू कर दिया। तो क्या पैगंबर ने पूछा मेरी जुदाई पे रो रही, मैं क्या नहीं। मैं आप सहरा ने पूछा या रसूलल्लाह आप क्यों रो रहे हैं, कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरी इस बच्ची पे जो जुल्म होंगे मेरी तो रोएगा। ये मैंने एक आपने देखा साहब सुफा में से एक फर्द की आंखें बताई थी जो जन्नत और जहन्नम को देख रही है, ये रसूलुल्लाह है। मेरे ख्याल में रसूल उस वक्त को देख रहे हैं जब रोज सारा पे तालियां में बरस रहे हैं। रसूल की आंखें तो हम जैसी तो नहीं है ना, रसूल अपनी उस दीन
मसाइब खुद फरमाती है। मैं मेरे ख्याल में दो लफ्ज जो सहारा ने बयान किए वो आपके खिदमत में अर्ज करूं। हुआ ये था कि दरवाजे पे लोग आए तो मैंने अबुल हसन को नहीं छोड़ा, मैं खुद दरवाजे पे चली गई। मैंने उनसे पूछा तहसीब के लिए आए हो तो नहीं, कहे नहीं हम अली को पकड़ने आए हैं। कहा गाली तो मैं नहीं दे सकती, कहा अगर अली नहीं दोगे तो हम आग लगा देंगे। तो किसी ने कहा कि हाँ नहीं फिर तो रसूल अल्लाह, ये तो रसूल की बेटी है जो